महंगाई सस्ता है, महंगाई सस्ता है। हाँ हाँ, हम ही राम सकल है बहनी। सिहोरिया तोहरों घर है? मेरा सिहोरिया घर ही नहीं। सिहोरिया घर है नहीं है? अब रोस्तमपुर रात अलग का बात है, सिहोरिया घर है। चाचा आप किसी और को पहचान रहे हैं? नहीं, मैं वही। अच्छा, मेरा नाम बताइए तब। वो मोहन चाचा के लड़के हैं आप? पैसा ले लिए घर बनवावे का दिए, गोली धाए धाए चले लगी ऐसा। नेताजी सुनिए, उस बच्चे का आरोप सुनिए, कह रहे अखिलेश की सरकार बन जाती है गोली धाए धाए चलने लगता है। राहुल के बनी बना दे कष्टकारन जवानन के बानर के गली हो गली दौड़ा, वहाँ ऑनलाइन कागज करा, वहाँ ऑनलाइन करा। सुनवाई जब के बार सुनवाई के बार सुनवाई। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अब यहाँ पर एक चाची बैठी हुई थी जो अब वहाँ चली गई, उनसे हमने पूछा कि ये बताइए कि आपके क्षेत्र में योगी जी कैसा काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री है ना यहाँ के। फिर वो थोड़ी संकोच में थी तो मुझे लगा उन्हें पता नहीं है, इसलिए मैंने पूछा अच्छा ये बताइए योगी जी हैं या अखिलेश जी। तब चाची ने पूछा कि ये बता लिया कि योगी जी की तरफ से रौरे आए हैं कि अखिलेश की तरफ से, तो उनको ये बताना है कि ना योगी जी की तरफ से आए ना अखिलेश की तरफ से, हम जनता की तरफ से आए। हाँ चाची, आप काहे बार बार भाग जा रही हैं भाई? तब डर रही हैं क्या? चलिए चाची डर रही हैं, कोई बात, अगर वो नहीं बोलेंगे तो उनका बकरी खोल दिया जाएगा। कहाँ गई वो? आप नहीं बोलेंगे तो आपका बकरी खोल दूंगी, मैं ही बांधी हूँ। चाची अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपका बकरिया खोल दूंगी, मैं ही बांधी हूँ। नहीं बोल रही हैं। दादी पेंशन वगैरह मिलता है कि नहीं आपको? मिला था। मिलता है? हाँ। अच्छा ये बताइए योगी जी के काम से कितना खुश है? खुश तो बटला वानी बाकी जे बड़का बड़का बाबू कहता भाई जे नौकरी नहीं मिला था, रोजगार खत्म हो गए, लिया कुल तो होता। हाँ। घर में बच्चे हैं आपके? हाँ, चार बच्चे हैं। क्या करते हैं? क्या किसानी करता हूँ सब। हाँ। किसानी में फायदा है, दो दो हजार रुपए मिल रहा है? अरे 2000 से का हो मन बाकी तो उतना बहुत बका कल जाए, जन मिला तो फोन ढेर है बा। लेकिन इतना तो काम हुआ, आप लोगों के घर राशन नहीं पहुंचाया गया कोरोना काल में? ना ही राशन, सरकार राशन पहुंचा रही थी। हाँ। मिलल है, फ्री में राशन मिलल है। हाँ। तो इस बार किसको दीजिएगा वोट? योगी जी को देंगी, अखिलेश को देंगी, मायावती को देंगी? जब समय आई तो देखल जाये। हाँ, अभी नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएं। सब क्या कह रहे हैं भैया? कांग्रेस सब जो बनौले रही है। हाँ। सब बेच देना, बहुत खुश जनता बा। हाँ। तेल कड़ू तेल 200 रुपए किलो हो गए, पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो गई, बहुत खुश जनता बा। हाँ। तेल मिलते नहीं थे क्या दादी? गैस मिल रहा है? गैस मिले जेकर गैस बारे आन खाई, आ जेकर नहीं बारे आई, आ जेकर नहीं रहे तो का खाई, कैसे खाई? क्या कह रहे हैं? शाम को लाइट भाग जाता, अंधेरे अंधेरे में आदमी खा रहे, मट्टी तेल बंद कर दिए मोदी जब से, लाइट 24 घंटा दे रहे हैं चाचा, भाग जाते लाइन, कभी लाइन खराब हो जाती है। अरे भाई, किसान को क्या चाहिए? महंगाई कम है, 200 रुपए किलो कड़ू के तेल है, ये बताइए। 100 रुपए पेट्रोल हो गया, आप गाड़ी से आए नहीं है? 100 रुपए पेट्रोल है, कहाँ था पेट्रोल? डीजल 95 रुपया बताइए, 170, कितना महंगाई हो गया? क्या कह रहे हैं? रिफाइन 70 रुपया किलो मिला था, 170 रुपया किलो हो गया। गरीबों का तो मारना चाहता है, जिस देश से गरीब निकल जाए सिर्फ अमीर भर रहे हैं। गरीबों के लिए इतना काम हो रहा है चाचा, पूरा कोरोना काल में आप लोग पार्टी है, मोदी तो नाच रहे हैं उसके सारे पे। चाचा कोरोना काल में सबके घर राशन मुफ्त पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा? मुफ्त देता टे हमारे, हमने देता ना, वो हमने को लेख देता टे मरना, वो राशन दे के 2000 रुपए लालच दिया के जनता गला दाब दिया, मुआ दिल का कही। देखिए चाचा कोरोना में इतने देश की जनता को फ्री वैक्सीन, कुछ नहीं दे फ्री, खाली ढोक ढकोसला है। हाँ, कुछ नहीं दिए, नहीं मिला है भैया। वैक्सीन मिला नहीं मिला? वैक्सीन तो मिला ना, वैक्सीन मिला। ये अपने घर से दे रहे हैं का? विकास के यहाँ पे विकास क्या बात कर रही है ना, बताइए क्या विकास किए हैं? रोड बनवाए, दावा है कि रोड इतनी बन गई, अब तो अपना काम ये एक बता दें कि हम अपने होती में कोई काम कराए हैं। काम मिला हमारे ससुराल तो चेक कर, क्या क्या बोल रहे हैं भैया? आपका ससुराल है तो बताइए आपका घर कहाँ है, वही चल चले। सिहोरिया कृष्ण मोहन लाल के घर है। कह रहे हैं कि तू क्या हमारे ये गांव मिलल है बुराई दिखावे के? बुराई नहीं है, सच्चाई है। जब गांव के लोग हैं, देखिए महंगाई सस्ता है, महंगाई सस्ता है। डीजल 10 रुपया लीटर बा। हाँ।
पेट्रोल 15 रुपया लीटर बा, 15 लाख रुपया दे दे हमन के 5 किलो अनाज मिलल बा, कौन बड़ा एहसान बा। हाँ, कौन से पार्टी के हैं आप? हम पार्टी से आप जान रहे हैं, आप मेरी बहन है, आप इतना नहीं जान रहे हम किस पार्टी से हैं? मैं नहीं जान रही हूँ, इसलिए तो पूछ रही हूँ। हाँ हाँ, सही बताइए। हाँ हाँ, हम राम सकल है बहनी। सिहोरिया तोहरो घर है? मेरा सिहोरिया घर ही नहीं। सिहोरिया घर है? नहीं है। अब रोस्तमपुर रात अलग का बात है, सिहोरिया घर है। चाचा आप किसी और को पहचान रहे हैं? नहीं, मैं वही। अच्छा, मेरा नाम बताइए तब। वो मोहन चाचा के लड़की हैं आप? मैं इनकी बहन हूँ, इनको मेरा नाम ही नहीं पता है, बताइए। आओ, हम सब जानते हैं बहनी। कौन मोहन चाचा? कृष्णलाल श्रीवास्तव, सिहोरिया। चाचा किसी और को पहचान रहे? मेरा नाम पल्लवी राय है। महंगाई एक को है ना ही। चाचा एकदम कंफ्यूज लग रहे हैं, एकदम मार लिए हैं क्या देसी एकदम? है चाचा, ये बड़ा कंफ्यूज है, मार के आए हैं क्या? कंफ्यूज नहीं हो, सही कह रहे हैं। गैस 1000 रुपया भाजपा ने आग लगाया, हमसे सुनिए। भाजपा ने एकदम आग लगा दिया देश में, महंगाई बढ़ा दिया है, तेल का दाम बढ़ा दिया है, पेट्रोल का, डीजल का, खाने वाला तेल का, चारों तरफ से हंगामा कर दिया पूरे संसार में। कोरोना के नाम पर एक टिप्पणी बना दिया है। मैं नंदलाल सोनपुर बाजार से बोल रहा हूँ, जय हिंद जय भारत। इतना सब बोल के जय हिंद जय भारत। हाँ बताइए। हाँ, जनता तराई तराई है। अभी वो चाचा कह रहे थे कि हिंदू राज्य बन जाए, तेल 200 से 400 रुपए हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता तराई तराई है। यूरिया 50 किलो के बोरी जो आती थी वो 45 किलो हो गई, दाम वही रह गया। अब माननीय मोदी जी के घरे महंगाई ना हो, जेकरे घरे जात हो या फ्री के खाना पाओ तो यहाँ स्वागत हो तो उनके महंगाई ना लगत हो। लेकिन जमन दाल 60 से 70 रुपया किलो रहा, आज 100 रुपया हो गई। जमन 30 साल में महंगाई 10 रुपया बढ़ा, वो आपका पेट्रोल और डीजल यही बीजेपी वाले लोग हल्ला कर रहे थे। आज 10 साल अभी नहीं बीता, 8 साल 7 साल हो रहा है केंद्र की सरकार में, और आप 110 रुपया पेट्रोल खरीद रहे हैं, 90 रुपया डीजल खरीद रहे हैं, तो महंगाई तो है, गरीब मारे जा रहे हैं। गरम जी है, अखिलेश जी जो काम किए उसका कोई तुलना नहीं है। हम अपने काम के विरोध करें, हम समाजवादी पार्टी के आरोप लगा रही है, क्या रही लगाता हमें लगाने दीजिए ना। योजना वही चला रहे हैं, माननीय भारतीय जनता पार्टी के लोग योजना हमारा ही चला रहे हैं, और हम अपने काम के विरोध करें तो हम उसको अच्छा नहीं समझते हैं। दादी तो कह रही है कि योगी जी अच्छे हैं, दादी तो कह रही है बड़े ठीक है, मैं योगी ठीक है, मैं मोदी ठीक है, मैं कौन बात नहीं बा, बकरे का कार करो तो नहीं घर में तुरवा करता तो हमन के जनता मर जाए जियल जाए। कहीं टूटा था चाची? चाची कहीं घर बचा दे, मोदी कोट दिया ही एकदम हमन के जिंदा, मोदी बात जिंदा। हाँ मोदी बात, हाँ मोदी बहुत बढ़िया बान है, बाकी भाई इतना सुनिए मैं आपके, मैं बता दूं आप यहाँ के लोकल नेता ही बताइए, ये इनका आरोप है ये घर। अभी आप छीन रहे हैं कि लोकल नेता, मैं लोकल नेता भी हूँ, आपके भाई भी हूँ। अब बताइए हम क्यों टूट रहा है? देखिए सही चीज है, पहले इन लोगों ने नारा दिया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैं पूछना चाह रहा हूँ जो इंडस्ट्री में, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, नहीं ये घर क्यों टूट रहा है ये बताइए। ये चाची जो सड़क चौड़ीकरण हो रहा है तो PWD का टारगेट है, PWD के अंदर जो आएगा वो तो तोड़ना, लेकिन जब केंद्र सरकार का कांग्रेस के जब योजना आई थी उस समय बहुत घर टूटे थे, उनको मुआवजा दिया गया था, यहाँ तक कि गुमती पान बेचने वाले के मुआवजा दिया गया था कि भाई पान की गुमती हटा लो लेकिन मुआवजा ले लो। लेकिन इन लोगों ने मुआवजा नहीं लिया, सीधे किसानों के लूट खरोच में रहे और किसानों के लूटे। क्या कह रहे हैं चाचा, कितने काम से खुश हैं सरकार के? अरे हम क्या सर, कहीं कुछ नहीं कह रहे हैं भाई, आपके वोट की और इनके वोट की कीमत बराबर, ये नेता जी हैं तो इनका पावर उतना नहीं है, आप ही बराबर हैं, बताइए सरकार के काम से कितना खुश है? हम ही लोग जिताएंगे, महंगाई है सब तो क्या खुश है? खुश नहीं है, नहीं है। सरकार का तो दावा था सबका साथ सबका विकास, इतना विकास हो गया आप लोगों का, क्या कर रहे हैं? गांव में कोई विकास हुआ है दिखाइए ना, गली गली कोई दिखाए हैं, कहीं पिच रोड है? पिच रोड ही नहीं है, क्या है विकास के नाम पे? पिच रोड ही नहीं है। सुनिए बोलिए भैया,
लॉकडाउन में शराब बेचवाना एक दवाई था, लेकिन स्कूल चलाना उसका प्रोसीजर नहीं था। स्कूल चलाना प्रोसीजर के अंदर नहीं आता। मैं पूछना चाह रहा हूँ, सारी सरकारी संस्था आप प्राइवेट कर देंगे तो इसका मतलब क्या रह जाएगा? आरक्षण के भर्ती कैसे करेंगे, किस आधार पर करेंगे? भारत का देश जो है वह तानाशाही से नहीं चलता, वो संविधान से चलता है। हम सभी लोग संविधान से। आप सपा नेता हैं इसीलिए आपको इतनी बुराई नजर आ रही है? नहीं, बुराई नजर नहीं आ रही है। मैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को सम्मान करते हैं और उनका सम्मान। चाची के नहीं, ये बताइए। चलिए, उनको हम नहीं मानते हैं, इसलिए नहीं मानते। अपनी जनता को आप नहीं मानते, कैसे? मैं तो सब दलाल बने। आपको दलाल कह रही है, कह रही है ना, ये पूरा नेता दलाल बना। सुनिए, दलाल है। देखिए, हमारी मम्मी मुझे दलाल कहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? सही कहता ना वो? क्या कह रहे हैं वो जो बोले? सही बोल रहे हैं। पैसा ले लिए, घर बनवा में कह दिए, मुंह में नहीं देखे। देखिए यारो, देखिए क्या लगी है मनो गाँव का दामाद हमें तन मजाक को कह दिए। नेता लोग चैनल पर जा रहा है, नेता लोग पैसा लेके आवाज बनवाते हैं। दादी बताइए तो नहीं कह रहे 500 रुपया ले लिया लगा भाई। देखिए आप इनका 500 रुपया लेके आवाज भी नहीं बनवाए। देखिए आवाज तो हम लोगों ने बहुत। क्या कह रहे हैं गाँव में? क्या बताइए, सुनिए, कैमरे पे बताइए इनका। 95 इनका क्या हुआ बताइए? 95 में 60 मकान घुमाइए नहीं। इनका क्या हुआ बताइए? सुनिएगा, इक्का दुक्का छूटोंगे सरकार आएगी। पैसा कहाँ गया इनका? 500 कागज ऑनलाइन में पैसा नहीं लगता है। आप कितना रुपए लिए थे दादी? 500 ढेर नहीं ले ले, झूठ नहीं। मकान नहीं, नहीं कुछ रहे, अगल बगल बन गए हमारा बहन चकले कथोरिया। दादी गिरा गए हैं, अब नहीं गिराए ना। हम सरकार आएगी तो फिर सर्वे करवाएंगे 2022 में। फिर 500 रुपए लेंगे, फिर 500 रुपए लेंगे। नहीं, आप क्या लेंगे? वो सेक्रेटरी से नहीं पूछेंगे, यहाँ के लोगों से नहीं पूछेंगे। अगर मैंने लिया हूँ तो मैंने दिया हूँ। और भी कोई बता रही थी कि पैसा मैंने लिया हूँ तो मैंने दिया हूँ और दिया हूँ। अच्छा, का तू पैसा दे ललका चाची? नहीं, ढोहता खपराइला घर चौप पर धान उठल लो सब जन मर गए। अरे इधर आइए, मैं बता रहा हूँ ना, मैं यहाँ कर दिया। जनता की बात नहीं सुनिए। जब विश्वनाथ चाचा यहाँ प्रधान थे तो मैंने इस गांव पर, इस बड़े गांव पर, दो गांव का ये है ज्वाइन गांव है, विश्वनाथ चाचा प्रधान रहे, 60 मकान मैंने भिजवाया था। डंके के चोट पर मुलायम सिंह यादव की सरकार चल रही थी। उसके बाद मैंने 32 मकान भिजवाया था जिले से। योगी जी की सरकार है, अभी कितना आवाज मिला? अच्छा, योगी जी के सरकार में योगी जी के लोग बताएंगे, हम योगी जी वाले नहीं हैं। हम अखिलेश वाले हैं, लोहिया गांव लेते हैं, सर्वे करवाते हैं और 25 मकान धड़कल्ले से देते हैं। मेरा नेता ने कहा है। अरे सर, एक आम जनता नेता नगरी में उलझ के मोदी योगी वाले बने तो करे बाद जब चुनाव अले के बाद पता लगी के है मोदी योगी वाला आदमी जनता। तू ही बाटा लगा था तो। बताइए 3 काम गिनाइए योगी जी का जो आपको अच्छा लगता है। हमके सारा काम अच्छा लगा, सारा काम जितना महंगाई भी अच्छा लगता है, सब कुछ मिला लो तब नीक लगा था। पैसा बटा था का? पैसा नहीं बटा था, जैसे इनके कुछ मिला लो ला तब निकल था, सब कुछ निकला था। पेंशन वेंशन मिला था कि नहीं? सरकार के काम से कितना खुश हुए पूछे? देबू के वोट देबू? मोदी बाबू के। मोदी बाबू के? और के दे बेटा? ऐसन कहे दादी? ऐसन कहे? अरे मोदी जोगी बाबा के, जोगी बाबा के, कुछ नहीं, माँ बेटी में फर्क हो जाला, नहीं हो जाला तो मोदी योगी में फर्क हो गयी? फर्क हो गयी बा, अभी नहीं फर्क बा, अभी नहीं फर्क बा दादी, अभी नहीं कहा थी नहीं फर्क बा। ई नहीं तो गलत बोला, गलत साथ अब जिस जहाँ गोली धाय धाय चले लगी ऐसन हो लगा चले लाइन लगाता गोली बंदूक ही चौराहे पर मना ही मार जाता। क्या कह रहे हैं भैया, गोली चलता है? हाँ चला है इस गांव में, अखिलेश की सरकार में। हाँ चला है अखिलेश की सरकार में। नेताजी सुनिए, उस बच्चे का आरोप सुनिए, कह रहे हैं अखिलेश की सरकार बन जाती है गोली धाए धाए चलने लगती है। हाँ, आप लोग लॉ एंड ऑर्डर नहीं बनी। एक चीज आप एक चीज बताइए, माने इस गांव में गोली चला था? हाँ चला था, दो बार दो बार गोली चला। कौन सा लॉ? मैं बता दूँ, माननीय अखिलेश यादव जी गोली थोड़ी नहीं चलाते हैं,
लॉ एंड ऑर्डर चलती है उनके उनके सरकार में गोलियां चलती है। जब से योगी सरकार हुआ है तब से बहुत ज्यादा जनता लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया नहीं। एक चीज बताइए, 2017 में रुक जा, क्या कह रहे हैं बाबा, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बाबा, सुना सुना ना हम ऐसे पूछिला यह कह रहे हैं रारून के बनीरिंग बना दे कष्टकारन जवानन के बानर के गली हो गली दौड़ा वहाँ ऑनलाइन कागज करा वहाँ ऑनलाइन करा सुनवाई जा के बात सुनवाई जा के बात सुनवाई जा कौन उल्लू बना रहा है हा? कौन उल्लू बना रहा है, सरकार उल्लू बना रहा है, रही है सरकार ऑनलाइन करा रही है, जनता दौड़ रही है बार बार कागज ले जब लगे क्यों सुनवा बा एक जहाँ 5 रुपया लगा 25 रुपया मांगा था ना 500 मांगा था ना। आपका पेंशन मिलता है कि नहीं बाबा? नहीं बाबू मिलल हम ही कहे कहे नहीं मिलल बाकी यही बतिया बा मिलल हम कि घर के लोग कागज ले ले दौड़ रहे कोई सुनने वाला के बात सुनने वाला जब एक का 3 देव तब सुनी है ये पैसा लगा था साइन कराया जा सेक्रेटरी के ने 500 चाहिए हमके 500 रुपए और का बगैर पैसा के एक साइन नहीं करते हैं सर। अब परेशान कर देते दौड़ा दौड़ा के गंवार आदमी क्या कहाँ दौड़े सर, वहाँ जाओ यहाँ जाओ ये साइन करो पैसा वहाँ भी लगेगा, परेशान हम लोग हैं कहाँ कहाँ जाएंगे हम। लेकिन बाबा योगी जी तो कह रहे थे कि ना घूस लेंगे ना घूस देंगे, देखने नहीं आ रहे हैं योगी तो वहाँ से ऑर्डर कर दिए, लेकिन यहाँ पर जो बहन जो बैठे हैं सब ये सब खा जाते पैसा। अब सेक्रेटरी के पास जाओ बगैर पैसा का कोई साइन नहीं करेगा। तो आप लोग शिकायत नहीं करते हैं चाचा? शिकायत नहीं, बगल में रहते हैं योगी जी, चले जाइए बगल में योगी जी हमेशा बैठते नहीं यहाँ पर, हम लोग 100 रुपया अपना एक तो काम अपना दिहाड़ी छोड़ेंगे फिर जाएंगे शहर में 100 रुपया किराया लगाएंगे, वहाँ पर जाने में पता नहीं कोई मिलेगा सुनवाई होगा कि नहीं होगा। बाबा पूरा हिल रहे हैं एकदम बुढ़े हो गए। हाँ बहुत बुढ़े हो गए। क्या कह रहे हैं योगी जी मिलेंगे नहीं आगे जाएंगे तो? कैसे मिली है हमारे आदमी मिली है सुंदर मनीष मिली है का? हाँ, का नेता मिली बाबा, हमारा वोट आपका वोट सबका वोट बराबर। हाँ हाँ कहे नहीं मिलेंगे, कहे नहीं मिलेंगे। अरे जब का बताए जब गैल बच्चे ही बतिया वाला हम तो नहीं कबू गैल मानी। अच्छा ये बताइए बाबा योगी जी अच्छे लगते हैं नहीं लगते हैं? योगी जी अच्छे लगते हैं नहीं लगते हैं? देखा के बाद जो सरकार ना अच्छा लगा सब तो अच्छा बा अच्छा करवा बिगड़वान बिगाड़ा था ना सब अच्छा लाना ये पारी के वोट दे बाबा बिगड़वान बिगाड़ा था ना ये वाले बिगाड़ रहे हैं बीच वाले ये पारी के वोट दे बाबा तो अब जब वक्त बताई वक्त बताई कैमरा अपना ही बोलवा डरात हो का नहीं कौन डर डर नहीं बता रहे वोट देवी का देवे का बड़ा महंगाई क्यों कह दिया महंगाई कह दिया बहुत महंगा टिकट टिकट जो ना पैसा ना रहत कैसे जाएगी अब मैयत हो जा कहीं या पैसा इतना पैसा जनधन खाता मिला था दादी अमन के नहीं मिला था चुरा चुरा था रे जीरो खाता खोलवा ले कि भेजब अमन के मिलल उला लाई बा मिलल लाई बा बेटा अमन के नहीं नहीं मिलल बा चली घरे देखी तुहार बटुआ है चुरा चुरा था अरे हमर बटुआ यही देखला लाल यही देखला है देखा देखा है ये आइला ये तो कागज बनवा देखा पैसा नहीं ना घरे बा बैंक में बा के वोट दिया खुश बाटू सरकार से कि नहीं खुश बाड़ी खुश वो जैसे चलावे राज बढ़िया चलावे ये बात नहीं बढ़िया चला था कि नहीं महंगाई नीक लगा था कि नहीं बहुत बढ़िया महंगाई इतना बाकी जेकरा ही खाई अनाज रही तू पास कर महंगाई अरे नोट निकलवावा तो केना जाने के लगे छाती चटा गई केहू के लगे तो मिल भी घास नियर बलात रहा बलात रहा जकरे रहा उबाल देते रहा देख लो करीम क्या कतरा ना देख ले ना इरा देख सुना ले रहा सुना ले रहा हाँ सुना ले रहा झूठ रहा है बोलो झूठ के समय से सब कुछ तो समय से मिल रहा है लेकिन जो जिसका जो हिसाब होना चाहिए वो हिसाब से 3 गुना ज़्यादा हमको पब्लिक को खर्च करना पड़ा तब जाके मिल रहा है। जो हमारा गैस सिलेंडर 2014 में 350 में मिल रहा था आज सीधे 1000 रुपया पहुँच गया 3 गुना हो गया लेकिन का तो
दादी का दो का चाहिए हाँ, हाँ फ्री में दिया था गैस वा आया दादा एक हजार चाप दिया अंगूठी में फ्री फ्री का एक हजार रुपए चाप दिया हर अंगूठी में अंगूठी अब बताइए अब बताइए बताइए 350 का सिलेंडर आज 1000 में सिलेंडर मिल रहा है और दूसरा चीज क्या बोलता है सब्सिडी कहे कि सब्सिडी मिलेगा सब्सिडी जीरो हो गया किसी को सब्सिडी मिल ही नहीं रहा पब्लिक को चूतिया बनाया गया नोटबंदी किया गया कितने लोग सुसाइड कर लिए वैसे ही मर गए हार्ट अटैक हो गया और कितने बहनों का जो पैसा धरक धरा वो खराब भी हो गया यही तम्बाकू ठोकत हो चाचा पूरा तजियले केठवा धार बा हाँ क्या करेंगे सुरती बनाएंगे अपना जीवन बिताएंगे किसी और महंगाई पेट्रोल 60 से 100 पार हो गया सरसों का तेल हम देख रहे हैं आदमी सूंघ करके अपना जीवन व्यतीत करेगा महंगाई तो उतना हो गया सरसों का तेल सुबह तक खा नहीं पाएगा और किसान का जो लागत है आपका चैनल किसान आपका चैनल सरकार के खिलाफ जाएगा का क्यों नहीं जा सकता है क्या मैं पूछ रहा हूँ जाएगा पारदर्शिता होना चाहिए सरकार से खुश नहीं है हम सरकार से खुश हैं लेकिन जो सरकार के द्वारा जो कार्यशैली है उस कार्यशैली से खुश नहीं हाँ। तो ये नाराजगी जो है वोट के समय दिखेगी नहीं दिखेगी बिल्कुल दिखेगी दिखेगी जी बटन दबाते वक्त याद रहेगा नहीं याद रहेगा बिल्कुल रहेगा हाँ सरकार में हम आ रहे हैं सरकार में हम आ रहे हैं 2022 के सरकार में वो बच्चा सवाल कर रहे थे आप उसका जवाब नहीं दिए कह रहे हैं कि जब अखिलेश आप जवाब दीजिए कि जब अखिलेश जी की सरकार आती है इसी गांव में गोली चलने लगती है लॉ एंड ऑर्डर कहाँ तो नहीं चलते हो तो पर्दारी की मामला है ना वो तो लॉ एंड ऑर्डर तो सरकार संभालेगी आज न्यायपालिका उनको कार्यशैली में बंद किया है न्यायपालिका उनको कार्यशैली में बंद किया है नेताजी लॉ एंड ऑर्डर तो सरकार संभालेगी लॉ एंड ऑर्डर आज ये बताइए जो इन्होंने गोली चलाया वो बंद नहीं है जिन्होंने मारा गया वो बंद नहीं है लोग जिन्होंने गोली चलाया तो बंद नहीं है वो बच्चा कह रहा है कि योगी जी की सरकार में ज्यादा सेफ महसूस करते हैं कि कम से कम रोड पे गोली नहीं चलती इतना बता दीजिए ना अगर इस तरह हुआ तो अभी ये जो मारा गया है बेचारा ये कानपुर वाला मनीष और उसके बाद इलाहाबाद में जो संतों का हत्या हुई है हम नंदनीय उसको निंदा करते हैं नेता है इसलिए नंदनी मांग रहे हैं बुराई कर रहे हैं आपकी सरकार में जब होता था तब आप लोग चुप्पी मेरी सरकार में ऐसा नहीं होता है मेरा सरकार जिन्होंने काम किया है उसकी रिपेयरिंग हो रही है रिपेयरिंग हो रही है 102 नंबर गाड़ी के उसकी अगर और गाड़ी लॉन्च किया होता चाची लोग लड़ रही हैं और गाड़ी लॉन्च किया होता तो हम समझते कि और गाड़ी आ गई उसकी रिपेयरिंग हो रही है रिपेयरिंग सरकार सपा की जो योजना थी उस पर भाजपा जो है पेंट पॉलिश लगा कर नया बता ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जन समस्या है हम ऐसे ही तमाम लोगों के बीच में पहुँच रहे हैं और सरकार की उन तमाम योजनाओं को जनता के सामने रख रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इतने दावे किए जा रहे हैं जो इतने वादे किए जा रहे हैं वो आम जनता तक पहुंच पा रहा है या नहीं इनकी राय हम सीधे बिना काट छाट के आपको दिखा रहे हैं आप देखने के बाद जो अपनी राय बना रहे हैं वो हमें लिखकर जरूर बताते रहिएगा हम ऐसे ही 403 विधानसभा सीटों पर जाते रहेंगे सभी सीटों को कवर करके सबकी राय आप तक पहुँचाते रहेंगे ताकि आप समझ पाए कि जनता की क्या राय बन रही है नमस्कार मैं पल्लवी राय आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।